हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक होम रेमेडीज लेकर आई हूँ, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका स्किन जो है बहुत ही ज्यादा ग्लो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अब तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये है वो होम रेमेडी जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, जो स्किन को एकदम से लाइट एंड ब्राइट बनाता है और थोड़ा निखार लाता है। आपके जितने भी पिगमेंटेशन है फेस पे, वो सारे क्लीन करता है। और सबसे अच्छी बात है एकदम इंस्टेंट ग्लो लाता है। अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या अपना स्पेशल सा लुक चाहती हैं, स्पेशल ग्लो चाहती हैं, तो ये अंदर से आपके फेस को क्लीन करता है, ग्लोइंग बनाता है। तो इस होम रेमेडीज को बनाना कैसे है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकती हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच के आसपास हमें एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए। स्किन को ओपन पोर्स को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ जितने भी छाइयाँ दाग धब्बे वो सबको दूर करता है, डीप क्लीजिंग का काम करता है। इसके बाद हमें लेना है हनी। तो डाबर का हनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच के आसपास। हनी और एलोवेरा जेल को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नींबू का रस। अगर आपके स्किन को नींबू का रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह आप संतरे का रस भी डाल सकती हैं सेम क्वांटिटी में। नींबू का रस 3 से 4 बूंद ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये जेल फॉर्म में तैयार हो जाएगा हमारे फेस पे लगाने के लिए। तो इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, पानी से आप धुल सकते हैं। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ पानी से वॉश किया था। और अब इस पे ये रेमेडीज, ये फेस पैक ये अप्लाई करेंगे, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक। और इस तरह से कॉटन में डुबोकर आप चाहे तो फिंगर से भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस रेमेडीज को आप स्टोर भी कर सकते हैं और हर रोज लगा सकते हैं आप। इस तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पे कॉटन की सहायता से, और आप इसको हर रोज लगा सकते हैं, नहाने से पहले लगा लीजिए। और 5 से 10 मिनट तक ही रखना है फेस पे, उसके बाद आप स्पेशल सा ग्लो देखेंगी अपने फेस पे। इस तरह से लगाना है और सिर्फ 1 हफ्ते तक इसको आप ट्राई कीजिए। वैसे तो एक बार में ही आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क महसूस होगा, लेकिन 1 हफ्ते तक आप इसको रेगुलरली लगाइए, उसके बाद आप खुद ही देखेंगी अपने फेस पे जो चेंजिंग होगा, जो ग्लो आएगा, इतना चौक जाएंगे कि फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है ये होम रेमेडीज जो मैंने बताया है। तो इस तरह से कॉटन की सहायता से पूरे फेस पे लगा लीजिए और नेक पे भी लगा सकते हैं। पूरे फेस पे, नेक पे लग चुका है। अब हल्के हाथों से मसाज करेंगे, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा हमारे स्किन का और अंदर लेयर तक ये रेमेडीज पहुंचेगी और अंदर से निखार आएगा आपके फेस पे। हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है अपने फेस को अपर साइड करते हुए, ताकि जो डलनेस है, जो स्किन जो है लूज हो चुका है, वो टाइट हो जाएगा और एकदम से ग्लो करेगा। इस तरह से आपको मसाज करना है, केवल 5 मिनट तक आप इस तरह से मसाज कीजिए। इसमें हमने जो रेमेडीज मिलाया है वो हनी है, लेमन है और एलोवेरा जेल है, जो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे स्किन के लिए, लाइट एंड ब्राइट बनाता है, ओपन पोर्स
जो होता है उसको हाइड्रेट करता है। इस रेमेडीज को मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है और इसको आप विंटर समर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। आपका स्किन ड्राई है, वाइली है या नॉर्मल है, तो ऑल स्किन टाइप से ये और ख़ास करके विंटर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपके फेस को ड्राई नहीं होने देगा। तो इस तरह से 5 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे अपने फेस को इसी तरह से और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी से वॉश कर लिया है अपने फेस को और कितना ज़्यादा ग्लो आया है फेस पे, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार में ही इतना ज़्यादा फेस ग्लो कर रहा है और जब इस फेस मास्क को आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा फर्क महसूस कीजिएगा। वैसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इस फेस पैक को लगा लेने के बाद उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। वैसे तो ड्राई नहीं होगा लेकिन मैंने इसमें हनी डाला था तो हनी जो है ड्राइनेस को दूर करता है और स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाता है। और लेमन है थोड़ा बहुत तो स्किन को जो है ये ड्राई करता है। लेकिन मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है विंटर्स के लिए खास करके। वैसे तो हर मौसम में आपको मॉइस्चराइज़र रखने की आवश्यकता है अपने फेस को, बस विंटर्स में कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएं। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा फेस ग्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनके लिए हेल्पफुल हो उनको शेयर कीजिए और कोई भी रिक्वेस्ट सजेशन सलाह जो भी हो हमारे साथ शेयर कीजिए हमें कमेंट करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।